गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रियल कैनेडियन लाइफ। दोस्तों, मैं हूँ सास्काटून में और अभी यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो है 35 डिग्री सेल्सियस और तेज़ धूप आज इतनी है कि अगर आप 5 मिनट भी धूप में रहोगे तो आपको पसीने पसीने हो जाओगे। तो इसके अलावा यहाँ पर मास्क खुल गए हैं क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया है कि अभी ज़्यादातर पॉपुलेशन है उसको वैक्सीन के डबल डोज लग चुके हैं, तो अब मास्क फ्री हो गया है। तो उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ कैसे एंजॉय करते हैं, और वो सब देखने के लिए आज मैं आया हूँ किंग्समैन पार्क में। और यहाँ पर मेरे पीछे पार्किंग लगी हुई है, पर पार्किंग की जो स्पॉट्स है वो सारी फुल हो चुकी है और मुझे यहाँ पर पार्किंग का स्पॉट ढूंढने में 5 मिनट वेट करना पड़ा था। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर आउटडोर एक्टिविटीज़ में लोग क्या क्या एंजॉय कर रहे हैं, और देखते हैं यहाँ पर पीछे चिल्ड्रन के खेलने के लिए प्लेग्राउंड भी है, वहाँ पर भी जाकर देखते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो पार्क है यहाँ पर आप देख पाओगे कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन वगैरह कर रहे हैं। उन लोगों ने कैंप फायर भी किया हुआ है और सेलिब्रेशन के लिए डेकोरेशन भी किए हुए हैं। तो आज सैटरडे है और सैटरडे संडे में यहाँ की जो पब्लिक है वो वीकेंड एंजॉय करने के लिए बाहर निकलती होती है। तो ये सारा आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लोग राउंड घूम रहे हैं, बच्चों के साथ साथ बड़े भी घूम रहे हैं साथ में। ये जो राइड है उसकी प्राइस है $2.25 पर राइड, और अगर आप $22.50 की जो पैक लेते हैं तो उसमें आप 12 राइड एंजॉय कर पाएंगे। तो बस अभी ये सब कोविड थोड़ा कम हुआ है, केस कम हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर जो आउटडोर एक्टिविटीज़ ओपन हो गई है तो लोग काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ट्रेन है कैनेडियन पैसिफिक, तो बस ये ट्रेन अभी छूटने वाली है, देखते हैं। यहाँ पर चिल्ड्रन के वाटर प्लेग्राउंड की एक्टिविटी है। इसके अलावा यहाँ पर स्लाइडिंग और स्लिंग्स है, यहाँ पर एक जिप लाइन भी है, वहाँ पर बच्चे उसके ऊपर जिप चेन करते हैं। आज सैटरडे है तो पब्लिक थोड़ी कम है, लेकिन कल संडे आएगा तो पब्लिक यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी ये जो ट्रेन यहाँ से निकली थी, टॉय ट्रेन कैनेडियन पैसिफिक, तो बस वो आ चुकी है। काफ़ी ब्यूटीफुल है। अभी यहाँ पर सीज़न अच्छी है तो लोग मोटरसाइकिल भी चला लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि मोटरसाइकिल चलाने के लिए लाइसेंस है वो अलग से निकलवाना पड़ता है, उसका जो लाइसेंस होता है वो स्पेशल होता है। इंडिया का टू व्हीलर का लाइसेंस यहाँ पर नहीं चलता है। इंडिया का टू व्हीलर प्लस फोर व्हीलर का जो लाइसेंस है उसको आप फोर व्हीलर के एक्सपीरियंस के लिए चला सकते हैं, लेकिन टू व्हीलर के लाइसेंस के ऊपर आप यहाँ पर फोर व्हील नहीं चला पाओगे, ना ही आप यहाँ के टू व्हील चला पाओगे। वैसे ये एक पब्लिक प्लेस है, लेकिन यहाँ पर आप फ्लावर्स देखिए, कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स यहाँ पर खिले हुए हैं।
तो फ्रेंड्स अभी मैं इवनिंग का टाइम है और रिवर के किनारे पर आया हूँ और यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि एक छोटा सा ग्रुप जा रहा है जिसमें काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कयाकिंग कर रहे हैं। समर में ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पर काफ़ी सारे लोग एंजॉय करते हैं और वो अपनी खुद की जो प्राइवेट बोट होती है वो लेकर ऐसे रिवर में या फिर कहीं पर लेक में ऐसे कयाकिंग या फिर रिवर राफ्टिंग करने के लिए चले जाते हैं। कनाडा में जो समर का टाइम है वो काफ़ी छोटा होता है, अप्रोक्सीमेट 3 से 4 महीने के लिए ही यहाँ पर फुल समर देखने को मिलता है, तो लोग ऐसी एक्टिविटीज़ काफ़ी एंजॉय करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्रेरी लिली करके एक फेरी बोट है जिसमें लोग इवनिंग के टाइम पर डिनर करने के लिए आते हैं, तो इसकी जो प्राइस है वो अराउंड $25 है और ऑनलाइन भी लोग बुक कर सकते हैं। और ये जो बोट है ये पूरी रेस्टोरेंट है अंदर उसके, और वो रेस्टोरेंट के अंदर लोग डिनर एंजॉय करते हैं और उसका जो टाइम होता है वो अप्रोक्सीमेट 1 आवर के लिए ये पूरी बोट चलती है। तो मीनवाइल जब तक ये बोट चलती है तब तक लोग अपना डिनर ख़त्म कर लेते हैं, और कनाडा में डिनर को सफ़र बोलते हैं और मेजॉरिटी जो सफ़र करने का टाइम है वो 5 से 6 बजे का है, तो लोग अपनी जॉब और अपना काम ख़त्म करने के बाद डायरेक्ट सफ़र कर लेते हैं, और डिनर का जो टाइम रहता है वो 8 से 9 बजे का होता है और वो मेजॉरिटी वीकेंड में ही एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कनाडा की लाइफ के बारे में बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाकर मैंने अपनी चैनल के ऊपर पोस्ट किए हुए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर वो वीडियोज़ देख पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।